तो मैं बोला भाई कुछ कंटेंट वंटेंट बनाने के लिए आसपास जगह है, तो बोला भाई अपने घर के सामने ही एक पहाड़ी है तो पहाड़ चढ़ेंगे जाके। आनंद भाई तुम्हें को एक बात बता, इतना चल लिए है, पहुंचेंगे कब? अभी ये सिर्फ और सिर्फ 35% 40% ही कवर अप। क्या बस बस इतना ही हुआ है कि मेरे अंदर की आत्मा बोल रही बस जकी अब वापस घर चले जा, नहीं तो फिर मैं निकल के खुद ही चले जाऊंगी। भाई पता नहीं कहाँ लेके चले गया, तो जूते की हालत देखो, मेरी हालत देखो, पैर दुख रहा है बहुत। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, के अंदर घूम चुका हूँ, मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा, कहाँ से निकलूँ, सब एक जैसा लग रहा है। अब भाई यहाँ से भी नहीं है, अब कहाँ से जाऊँ, यहीं से तो आया था मैं। मतलब आप इमेजिन कर रहे होंगे मैं ऐसे रैंडम सा कोई भी बिल्डिंग में से क्यों निकल के ब्लॉग कर रहा हूँ। बताने तो अभी बताता हूँ क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ और हाथ में क्यों मैं पानी की बॉटल लेके घूम रहा हूँ। जहाँ पे रखो वहाँ पे लेने भी आना पड़ता है, तो कोई कैमरा लेके भाग जाएगा और डबल चक्कर तो हो ही जाता है। हैशटैग व्लॉग लाइफ। एंटिटी नोवो पस नॉन सिटी रिकॉर्डिस्ट व्लॉग। तो आज है 23 अगस्त और अभी शाम का बज रहा है 5 और मैं सुबह से आया हुआ हूँ पुणे। पुणे की वहाँ छोटा सा एक काम है इसलिए आया हूँ, तो यहाँ पे रुका हुआ आनंद के घर पे और मेरे पीछे जो देख रहे हो वहाँ पे बिल्डिंग है, तो मैं आया तो मैं बोला भाई कुछ कंटेंट वंटेंट बनाने के लिए आसपास जगह है, तो बोला भाई अपने घर के सामने ही एक पहाड़ी है तो पहाड़ चढ़ेंगे जाके। तो बोला चलो भाई कोई बात नहीं, अभी थकने जा रहे ऊपर, मतलब कंटेंट बनाने जा रहे ऊपर। देखो भाई बहुत ज्यादा हाइट पे हो, देख रहे हो। आनंद अभी आगे गया, मैं उसको बोला चल भाई मैं ब्लॉग करते करते आता हूँ, तेरे पीछे पीछे पहुंच जाऊँ। कहाँ पे लेके जा रहे तू? अभी ये लेके जा रहे हैं इंद्रवाड़ी हिल्स बोलते हैं इसको, उधर देख रहा झंडा। हाँ उधर जाने का अपने को, और क्या करना है ऊपर जाके? ऊपर जाके झंडा बस देखने का है, ठीक है। और उसमें फिर क्या बाकी, फिर शहर दिखता है उधर में, लोग दूर दूर से आते हैं इस पहाड़ को चढ़ने के लिए। हमारे पास इसकी एक एडिड बेनिफिट है कि हमारा घर बाजू में ही है, जब मन बोर होता है तो अपन पहाड़ चढ़ लेते हैं, बाकी पहाड़ पे चढ़ के क्या क्या होता है वो तो जाने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए मुझे भी आज पहाड़ चढ़ाने के लिए लेके आया है कि मैं अभी पहाड़ चढ़ू। अभी हम ऊपर चढ़ रहे थे और हमको चढ़ते चढ़ते सामने दिखा है रेनबो, देखिए आप। सिर्फ आधा आया हम ऊपर और थक गए भाई, हवा निकल गई है पूरी। चढ़ना तो है पूरा, अभी देखते हैं चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं। हाँ रुक जा, आ रहा हूँ। यहाँ से सब झाड़ियाँ चालू हो गई है। तो ये पहाड़ कम और जंगल ज्यादा दिख रहा है। अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ पता है? आलिया भट्ट की आप वाली मीम्स देखे होंगे, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बस वही मैं अंदर से बोलना चाहता हूँ। चलो अभी क्या कंटेंट के लिए भाई, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर लो। आनंद भाई तुम्हें को एक बात बता, चल लिए पहुंचेंगे कब? भी ये सिर्फ और सिर्फ 35% 40% ही कवर अप। क्या बस बस इतना ही हुआ है। ये जितना भी का ये स्ट्रेच है ना, हाँ। यही सबसे टफेस्ट है, उसके बाद फिर प्लेन लैंड आ जाता है। प्लेन लैंड नहीं आया इसके बाद तो? नहीं आया मतलब क्या, अभी मेरा 2-3 बार का हो चुका है। हाँ। तो आ जाना चाहिए, थोड़ी यहाँ का लोकल हो गया पहाड़ पहाड़ को पता है किधर टेंट वेंट लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी चालू कर रहे हैं हम लोग हाइकिंग एंड पैकर्स करके, प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब। नहीं 1000 रुपए पर हेड, खाना पीना रहना रात भर। भाई ये सब मजाक कर रहे ना, तो मैं कमेंट करेंगे भाई नंबर दो। सीन ये कि मेरे अंदर की आत्मा बोल रही बस जकी अब वापस घर चले जा, नहीं तो फिर
मैं निकल के खुद ही चले जाऊँ यार, बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ही ज्यादा। सुबह सुबह मैं ट्रैवल करके पहुंचा और वापस से अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। पता नहीं भाई क्या शौक है मेरे को ये सब करने का, लेकिन यही में मजा आता है तो अभी यही करता हूँ। तो अभी बैठे 5 मिनट का ब्रेक लिए, बस थोड़ा सी बचा है 20%। वो वैसा बोल रहा है आनंद, हंसता क्या है नीचे, अगर व्यू अच्छा रहा तो इतना चलना वर्थ इट है भाई, बढ़िया एकदम। तो चलते हैं, दिख रहा है ये डैम के बारे में बताएगा आनंद। वो कसरसाई डैम है, इतना सा डैम है, उधर घूमने की भी अच्छी जगह है, वहाँ जाके लोग, उधर ही एक नया आई स्काई करके एक तो डाइनिंग बनाया है जिसपे बैठेंगे लोग ऊपर। अच्छा, हाँ मैं देखा है, वही 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 पे बनाया नया नया, तो उधर जा सकते हैं लोग। भाई यहाँ का व्यू तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ का सिनेमैटिक देख लो छोटा सा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये है भाई व्यू। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, वाइड एंगल से मैं 13 मिनी से व्लॉग कर रहा हूँ, तो वाइड एंगल की मदद से ना बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव व्लॉग दिख रहा है। ऐसी जगह पे वाइड एंगल लेंस ही लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग एक्सपीरियंस आ रहा होगा आपको, बढ़िया है। अभी थोड़ा और आगे जाना है, फिर वहां से अच्छे से सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूं आपको, जब तक के बने रहो भाई। यार इसे व्लॉग करते करते ना मेरे अंदर चुल मच रही है दूसरा फोन लेने की, वाइड एंगल। भाई मेरा मन होने लगा फोन लेने का वाइड एंगल वाला, बहुत मजा आ रही है व्लॉग करने। एकदम इजिली निकालो, फटाफट व्लॉग कर लो वाइड एंगल में, इतना अच्छा फ्रेम आ रहा है, चेंज कर ले मेरे फोन से। तो बस थोड़ा सी बचा हुआ है यार, ब्लॉक के चक्कर में ना पीछे ही रह जाता हूँ हमेशा मैं। वो थोड़ा सी बचा है, पहुंच गए, सामने एक फ्लैग है वहां तक पहुंचना था हमें। भाई इतना चलना वर्थ इट लग रहा है अभी मुझे, तो इसलिए हम और पूरा आ गए ऊपर तक। बढ़िया भाई, यहाँ से देखो एक बार व्यू, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखो हवा चल रही है ना, खतरनाक हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, मजा आ रहा है। वैसे भी यार इतने दिनों से घर पे ही बैठा था मैं, बहुत बोर हो रहा था, कहीं जाने का था, तो यहाँ पे आया मैं। तो मैं बोला चलो यहीं पे पास में ही सही, अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ से व्यू तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी पूरा पहुंचा हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई साहब अभी सीन ये है कि हम तो पूरा ऊपर आ गए, एंड है। अभी वहां से देख के लग रहा है भाई बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, क्योंकि पूरा क्लाउड जा रहा है और मेरा कैमरा मेरे पास है तो इसे बचाना पड़ेगा। तो बोला बारिश नहीं होगी, बारिश आ गई, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मेरे से पूछ के थोड़ी ना आएगा। लेकिन ऊपर व्यू एकदम वर्थ इट है, बहुत वर्थ इट है। यहाँ से देखिए पूरा सिटी दिखता है, यही हिल्स आपको लोनावला तक कंटिन्यू हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो हिल्स रेंज है यहीं से चालू होती है, हिंजेवाड़ी से नॉट एग्जैक्टली दिस बट आगे से चालू होती है और ये पूरे लोनावला तक और खंडाला तक चलती है। ये पूरी आप देख रहे हो ना, जैसे ये पूरी कंटिन्यू होगी पूरी लोनावला तक। तो भाई अभी ना मैं फटाफट नीचे उतरता हूँ, जब तक आप सिनेमैटिक शॉट देखो, और मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। पता नहीं कहाँ लेके चले गया था, जूते की हालत देखो, मेरी हालत देखो, पैर दुख रहा है बहुत। ठीक है आंटी। तो भाई साहब सीन अभी ऐसा है कि मेरा पूरा शूज खराब हो गया, मेरी पूरी पैंट खराब हो गई, ये देखो। तो अभी इसको धो के रख देता हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। भाई सीन ये है कि अभी उस शूज को धोना पड़ेगा जेट स्प्रे से, और फोर्स देखो मस्त है। तो इसको साफ करते हैं अभी। भाई साहब अभी का सीन ये है कि अभी भूख लगी है बहुत ज्यादा, खाने के लिए जा रहा हूँ कुछ, और हमारे साथ है वन एंड ओनली फैजान खान। अबे भाई अब देख अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अब मीम भी नहीं डालता हूँ मैं तो। अच्छा देख लाइट के लिए देखो क्यों लेके आया तू। तो भाई सीन ये है कि खा पी के आ गए अभी थोड़ी बहुत जो भूख लगी थी, और मुझे लगता है ब्लॉग यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जा सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के मैं रात को देखूं जब तारे तो सोचूं मैं क्या भी एक तारा बन जाएगा। जूता मेरा सूखेगा कि नहीं क्या मालूम।